आज मैं जा रही हूँ मेरे पास के जंगल में ऑफरिंग्स देने के लिए, जहाँ मैं अक्सर जाया करती हूँ, ग्रैंडपा ट्री के पास। ये कुछ ऑफरिंग्स हैं जो मैं अपने साथ ले जाती हूँ अक्सर, फ्रूट्स, इंसेंस, ग्रेन्स, मिल्क एंड समटाइम्स स्टोन्स ऑल्सो। तो ये मेरे क्रिस्टल्स हैं जो मैं उन्हें ऑफर करूँगी। इट्स बेसिकली एन ऑफरिंग टू द गॉडेस, गॉडेस मदर अर्थ। हमारे यहाँ मौसम अचानक बदल जाता है, सडनली तेज़ धूप होती है और फिर अचानक से फॉग हो जाता है। अब मैं अपने जंगल की तरफ जा रही हूँ और शीघ्र ही आपको वहाँ पर ग्रैंडपा ट्री से मिलवाऊंगी। क्लिनजिंग हमारी लाइफ का एक रूटीन वर्क है जो सभी हीलर्स करते रहते हैं, और वो आवश्यक भी है। क्लीनिंग या क्लिनजिंग सिर्फ घर की नहीं होती, इस देह रूपी घर की भी क्लिनजिंग समय समय पर आवश्यक है। जब हम दूसरों को क्लिनज करते हैं तो हम उनकी नकारात्मक ऊर्जा स्वयं पर ले लेते हैं और फिर हमें भी उसे क्लीन करना होता है। बेसिकली इट्स एन एनर्जी जो हमें किसी और डायरेक्शन में भेजनी होती है। वी बिकम द मीडियम जहाँ पर कि किसी दूसरे व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा हम अपने ऊपर ले करके फिर बाद में उसे कहीं और डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि एनर्जी को ख़त्म नहीं कर सकते आप, उसे ट्रांसफ़र ज़रूर कर सकते हो। तो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं आ रही हूँ 6 जुलाई 2024 को। स्टे ट्यून्ड टू माई ऑल सोशल प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच। ये है हमारे गांव का बहुत पुराना ओल्ड स्टाइल हाउस, सच ब्यूटीफुल। आज हमारे गांव में बारिश हुई थी और मैं और वैजयंती हमने सोचा चलो जंगल की तरफ एक चक्कर काट के आते हैं, और अगर कुछ जड़ी बूटियां मिली तो उन्हें भी साथ लेते आएंगे। हम लोग बहुत इंजॉय करते हुए जा रहे थे, म्यूज़िक सुनते हुए जा रहे थे, और बड़ा आनंद आया इस जर्नी में। जब भी मैं जंगल जाती हूँ तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं दूध ले जाती हूँ पेड़ों को चढ़ाने के लिए, जहाँ मुझे लगता है कि एनर्जीज आर वेरी पॉजिटिव, और इफ़ आई फील देयर इज सम एनर्जी, सम हायर एनर्जी, तो मेरे पास एक केन है चीनी मिट्टी का बना हुआ, तो मैं उसमें डालकर दूध लेके जाती हूँ और वो मैं प्रकृति को ऑफर करती हूँ। यहाँ से हमारे जंगल की चढ़ाई शुरू होती है, और क्योंकि ये पास में ही है तो मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है और मुझे आनंद बहुत आता है। बिल्कुल घने जंगल, गीली मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू और चारों तरफ हरियाली, ऐसे लगता है प्रकृति का साक्षात रूप मैं देख रही हूँ। कितना कुछ देती है प्रकृति हमें और हम क्या देते हैं। तो अब मैं बस पहुँचने वाली हूँ अपने पहले ब्रदर ट्री के पास, ग्रैंडपा ट्री से पहले मेरे ब्रदर ट्री आते हैं, तो मैं उनके पास रुक के पहले उन्हें प्रणाम करती हूँ, फिर उनकी परमिशन लेके ग्रैंडपा ट्री से मिलने जाती हूँ। सच ब्यूटीफुल डिवाइन एक्सपीरियंस। सो मीट माई ब्रदर ट्री। यहाँ पर रुककर मैं कुछ देर आराम करती हूँ अक्सर, और फिर मैं अपनी ऑफरिंग्स देके, प्रेयर करके, धूप पत्ती जला के, और उसके बाद में क्लेंजिंग करके मैं आगे ग्रैंडपा ट्री के पास जाती हूँ। पर क्योंकि आज मुझे थोड़ा जल्दी है तो मैं अपने काम को जल्दी फिनिश करके जा रही हूँ, क्योंकि
कोई भी साधना या कोई भी बड़ा कुछ कार्य शुरू करने से पहले मैं एक बार पंच तत्वों को ऑफरिंग ज़रूर देती हूँ, कुछ प्रेयर ज़रूर करती हूँ और धन्यवाद देना पसंद करती हूँ, और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी साधना में मेरे सहायक हों। तो यहाँ पर मैं अगरबत्ती जलाऊंगी, दूध मैंने ऑफर कर दिया है, अगरबत्ती जला करके प्रार्थना करूंगी, और जो सीड्स हैं वो भी डालूंगी। सीड्स डालने के पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी है कि हम जहाँ जहाँ सीड्स डालते हैं, क्योंकि इसमें सीड्स भी हैं, ग्रेन हैं, सीड्स हम जहाँ भी डालते हैं वहाँ पर वो उगते हैं, तो उससे प्रकृति को हेल्प होती है। तो इस ये भी एक रीज़न है कि हम सीड्स की ऑफरिंग देते हैं पेड़ के आसपास या धरती में। अगरबत्ती हम सभी जानते हैं, धूप या अगरबत्ती वातावरण को सुगंधित करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हम लगाते हैं। इसके अलावा मैं अपना रिचुअल घुंघरू पहन के गई हूँ, और ये मेरा रेटल है, रिचुअल रेटल है, जिससे मैं अपनी क्लिनजिंग भी करती हूँ ऑन अ रेगुलर बेसिस। भी एनर्जीज़, क्योंकि हम बहुत सी अलग अलग जगहों से जाते हैं तो अलग अलग एनर्जीज़ हमारे आसपास होती हैं। लुक एट दिस ब्रदर ट्री, के कितने ऊंचे हैं ये, कितने विशाल हैं। जितने कहते हैं कि एज अबव सो बिलो, जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है। जड़ें जो हैं वो धरती को पकड़ के रखती हैं, मजबूती देती हैं। अब मैं बढ़ रही हूँ ग्रैंड पाट्री की तरफ और अब उन्हें ऑफरिंग दूंगी। वहाँ पर आज कुछ महिलाएं बैठी हैं उस पेड़ के नीचे। घना वृक्ष है, कम से कम 200 साल पुराना वृक्ष है ये देवदार का, और उसके नीचे कुछ महिलाएं बैठ के गांव की और अपना कुछ सामान टूरिस्ट जो हैं उनको बेच रही हैं। तो मैं अपनी निर्विघ्न वहाँ पर प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि बहुत सालों से, जब से मैं आई हूँ, आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू दिस ट्री और मुझे यहाँ एनर्जीज फील होती हैं, इसके लिए मैं वहाँ जाती हूँ और प्रार्थना करती हूँ और मुझे बड़ा आनंद होता है। यहाँ पर भी मैं जो भी ऑफरिंग्स लाई हूँ वो भी ऑफर करती हूँ, प्लस मैं ट्री को हग करती हूँ। ये मेरा बचपन की आदत है, जब मैं बहुत उदास होती हूँ या बहुत खुश होती हूँ या जब मैं प्रेयर्स करना चाहती हूँ, मैं किसी भी पुराने पेड़ के पास, पुराने वृक्ष के पास जाती हूँ, उसे हग करती हूँ और उसे काफ़ी देर छू कर हाथों से और उसकी ऊर्जा को महसूस करने की चेष्टा करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे प्रकृति मुझसे पेड़ों के द्वारा बात करती है, पौधों के द्वारा या पंछियों के द्वारा या पशुओं के द्वारा बात करती है, तो मैं वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती जब प्रकृति मेरे से बात करना चाहती है। अपनी प्रार्थनाएं ख़त्म करके मैं जा रही हूँ अभी कुछ जड़ी बूटियाँ और फूल लेने के लिए। मुझे अच्छा लगता है अपने हाथ से चीज़ों को लेकर के आना, तो ये कुछ फूल मुझे रास्ते में रोड साइड पर दिखे तो मैं इनको, ये बहुत कम मात्रा में मुझे दिखे, और यहाँ पर ये श्वान भी आ गए, मेरे मित्र, बहुत क्यूट हैं। और पहाड़ी कुत्ते जो होते हैं वो आपको रास्ता, अगर आप भटक जाओ तो ये आपको, अगर आपको दिख जाएं तो समझ लीजिए गांव आसपास में है, ये आपके सहायक बन जाते हैं वहाँ पर। अब मैं जो है वहाँ से फूल तोड़ रही हूँ और कुछ और जो रास्ते में पत्तियाँ लगी हुई हैं, जिसमें से मुझे सबसे ज़्यादा पत्तियाँ मिली अभी आर्टेमीजिया मगवर्ट की, और कुछ ही फूल मुझे मिले हैं, ये मैं लेकर के अब जा रही हूँ और इन्हें जो मैं है सुखाऊंगी। और फिर कई बार मैं ऑफरिंग भी दे देती हूँ, कभी कभी ये भगवान के सामने रख देती हूँ, मेरे ऑल्टर के सामने रख देती हूँ, और
अगर ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो मैं इन्हें बंचेज में बांध बांध के और सुखा देती हूँ, फिर हैंग करके और अंधेरे छायादार जगह पर इन्हें सुखा देती हूँ। बाद में ये प्यूरिफिकेशन के काम आती हैं। इन्हें हम स्मजेस कहते हैं, स्मज स्टिक्स मैं बना देती हूँ या स्मज बंचेस बना देती हूँ। और सबसे ज़्यादा मेरे पास सेज और मगवर्ट के स्मज बंचेस होते हैं। उसके अलावा अब मैं, क्योंकि मैंने खुद लगाना शुरू किया है लेवेंडर और सेज, मिंट सेज, मिंट बाली, और ये धान लगा हुआ था तो मैंने सोचा धान दिखा मुझे तो मैं तोड़ लेती हूँ, शुभ मानते हैं इसे बहुत, और ये माँ लक्ष्मी को भी चढ़ता है और हर भगवान के सामने, आप जिन्हें भी मानते हैं उनके सामने इसे रखा जाता है। तो मुझे लगा इसे भी साथ लेते हुए चलना चाहिए। तो अलग अलग जड़ी बूटियाँ, अलग अलग पत्तियाँ, फूल, पंचांग, इनके अपने अपने महत्व हैं। धीरे धीरे हम सीखते हैं धीरे धीरे, क्योंकि प्रकृति में मैं हमेशा से रहना चाहती थी और भगवान की कृपा से मैं यहाँ पर हूँ हिमालय की गोद में, और यहाँ पर जड़ी बूटियाँ अबंडेंस में हैं। अगर आप पहचानते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं इनका प्रयोग। तो मैं अब ये लेकर के अपने साथ जाऊंगी, मेरे कपड़ों पर कुछ फूल चिपक गए हैं आसपास के, ये जो भी ड्रेस है उसके ऊपर वो चिपक जाते हैं। आप जो भी, जब भी इनके बीच में जाते हो तो कुछ ऐसे पौधे आपको मिल जाते हैं, विच इज़, तो ये जो है मेरे सुखाए हुए कुछ हर्ब्स हैं। ये मिंट है और इसमें से जो अच्छा एकदम छायादार इसमें सुखाया है, इसमें से जो ग्रीन पत्तियाँ एकदम जो सूख के क्रिस्पी हो गई हैं उन्हें मैं निकाल करके और कांच के मर्तबान में इकट्ठा कर लेती हूँ। और जब इसका सीज़न नहीं होता, ये जैसे काम के लायक नहीं है, ब्लैक कलर का हो गया ये, तो मैं इसको हटा रही हूँ, सिर्फ ग्रीन पत्तियाँ इसमें से निकाल रही हूँ और इनको स्टोर कर रही हूँ ग्लास जार में। तो जब सीज़न नहीं होता तो मुझे और मुझे अगर मान लीजिए किसी हर्ब की आवश्यकता है तो मेरे पास वो ड्राई फॉर्म में स्टोर्ड रहती हैं, तो मैं उन्हें यूज़ कर लेती हूँ। मिंट इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग, ब्रेन को एकदम एक्टिव कर देती है, रिफ्रेश कर देती है और आप एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। मेरे पास ये जैसे जार आप देख रहे हैं, इस तरह के जार में मैं अपनी हर्ब्स को स्टोर करती हूँ। और इस तरह की चीज़ों का आपको स्टॉक अपने पास रखना पड़ता है। मेरे पास कुछ सूखे हुए कैलेंडुला के फूल भी हैं जिन्हें मैं अब जार में डालूंगी। सीज़न जब होता है तो हम कैलेंडुला को धीरे धीरे तोड़ के रख लेते हैं और सुखा लेते हैं, तो ये एकदम सूखे हुए हैं। कई बार ह्यूमिड वातावरण में हर्ब्स ख़राब हो जाती हैं, तो जब भी आप अपनी हर्ब्स को सुखाना चाहते हैं तो छायादार हवादार एरिया में उन्हें और अंधेरे एरिया में उन्हें सुखाना चाहिए, क्योंकि धूप लगने से उनका कलर चेंज हो जाता है। अगर ह्यूमिड एरिया होगा जहाँ हवा नहीं होगी, ह्यूमिडिटी होगी, वहाँ पर वो गलने लगती हैं और उनमें स्मेल आने लगती है, फंगस लग जाती है। इसीलिए कभी भी हर्ब्स को डार्क, ड्राई और एरी एरिया में रखा जाता है सूखने के लिए, उसके बाद में उन्हें कंटेनर्स में स्टोर कर लिया जाता है। बहुत से लोग एयर टाइट कंटेनर भी यूज़ करते हैं, मेरे पास जो अवेलेबल था मैं उस ग्लास जार में इसे स्टोर कर रही हूँ। हिमालय में वातावरण, स्पेशली मनाली के एरिया में वातावरण मोस्टली ड्राई रहता है, तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी की वो समस्या नहीं है कि यहाँ पर ख़राब हो जाएं हर्ब्स। सिर्फ जून के महीने में 10-15 दिन के लिए यहाँ ह्यूमिडिटी रहती है बारिश होने से पहले, उस समय हमें इन हर्ब्स को बचाना पड़ता है। अगर ये ओपन में रखी हैं तो ख़राब होने के चांसेस होते हैं, जैसे रोज़ की पत्तियाँ हो गई या कैलेंडुला हो गया या कोई भी हर्ब आपने अगर बाहर रखी है, मैं मनाली की बात कर रही हूँ जहाँ पर ह्यूमिडिटी का लेवल हाई है, जैसे कि मुंबई जैसा क्षेत्र जो है वहाँ पर ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत हाई है, तो वहाँ पर इन हर्ब्स को ड्राई करना एक चैलेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत नेचुरली एयर ड्राई होते हैं और इनका कलर भी, वी डोंट लूज़ द कलर,
विच इज़ सच अ ब्यूटिफुल थिंग. तो मैं अब यहाँ पर जितनी भी हर्ब्स लेकर आती हूँ, मैंने कुछ तो उगानी शुरू कर दिए हैं. लेमन बाम वगैरह अभी जो आया है वो हमारे यहाँ से ही, हमारे गार्डन में ही लगा हुआ है, उसको मैं सुखा रही हूँ. अब उसमें टाइम लगेगा. ये सब हर्ब्स हमारी बॉडी के लिए किसी ना किसी रूप में बहुत कारगर सिद्ध होती हैं. अब पुराने समय में मनीषी लोग जो थे वो ये जानते थे, महिलाएं ये जानती थी, इसीलिए इनका भोजन में प्रयोग होता था, सैलड्स में प्रयोग होता था, दवाइयों में प्रयोग होता था. इसीलिए आप उन्हें कह सकते हैं कि हाँ वो मैजिशियंस थे या तांत्रिक थे. अभी तांत्रिक बिना, वनस्पति तंत्र एक तंत्र है और उसमें ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं. आयुर्वेद भी एक तरह का तंत्र है. तो बैजनाथ जो हैं, हमारे भगवान शिव का एक रूप, वैद्य का रूप है, और जिस जो जड़ी बूटियों से जुड़े हुए हैं, और भगवान शिव तो जड़ी बूटियों से जुड़े हुए हैं ही. उसके अलावा धन्वंतरी, द गॉड ऑफ, द लॉर्ड ऑफ मेडिसिन, विष्णु अवतार, तो हमें उनसे प्रार्थना करनी होती है. हम उनसे प्रार्थना करके इनका प्रयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं. तो मनीषियों को ये पता था और वो जानते थे कि किस चीज़ का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जा सकता है, किस बीमारी के लिए कर सकते हैं, या इसको खाने से हमें क्या फ़ायदा होगा, या अगर हम खा नहीं रहे हैं मान लीजिए, और तो उसको हम अगर जला रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा. हम वनस्पतियों को हवन के रूप में भी प्रयोग करते हैं, हवन की सामग्री के रूप में भी उसका प्रयोग होता है. हम जड़ी बूटियों को खाने में भी प्रयोग करते हैं, दवाई के रूप में भी प्रयोग करते हैं. तो हमें ईश्वर ने, प्रकृति ने इतना सब कुछ दिया है कि हमें एलोपैथिक मेडिसिन्स की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी यदि हम प्रकृति पर निर्भर रहेंगे और प्रकृति से तालमेल बिठा करके चलेंगे. क्योंकि हम पेड़ों का ह्रास कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, जड़ी बूटियां उसमें कट रही हैं, एक पेड़ के नीचे हमें लगता है कि वो केवल पेड़ है, जड़ है, तो उसको पेन नहीं होता, लेकिन वो भी नीचे नीचे, अब साइंस इस पर रिसर्च हो रहा है और बहुत से ऐसे स्टडीज़ सामने आए हैं जो बताती हैं कि पेड़ की जड़ें दूर दूर तक फैली हुई एक दूसरे पेड़ से कनेक्टेड रहती हैं, और एक दूसरे पेड़ को, जब किसी एक पेड़ को हार्म पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है किसी भी वजह से, तो एक दूसरे पेड़ की जड़ें उसको आकर के पोषित करने लगती हैं. ये कैलेंडुला आप देख रहे हैं, मैंने इसमें रखा है सूखा हुआ कैलेंडुला, विच इज़ वेरी हेल्पफुल. ये सूखे हुए सफ़ेद गुलाब के फूल हैं, ये सूखा हुआ पुदीना है. मनाली के पुदीना की पत्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो इट्स वेरी गुड कि थोड़े से पत्तियों को लेकर के ही हम जो है चटनी बना लेते हैं. और ये है मेरी अम्मा, इनसे मिलिए. और ये है मेरा साधना कक्ष जहाँ मैं अक्सर बैठकर अपनी साधनाएं किया करती हूँ. इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार. आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इसी से कनेक्टेड अगला वीडियो भी जो हर्ब्स के ऊपर होगा, जड़ी बूटियों के ऊपर होगा, जिसमें कौन सी जड़ी बूटी आपके लिए क्या काम करती है उस बारे में जानकारी दूंगी. नए व्यूअर्स प्लीज सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें. थैंक यू सो मच. हर हर महादेव. जय भवानी. जय अखंड भारत. जय हिंदू राष्ट्र. हर हर महादेव. शंभो डमरू धरम.